हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी सुबह के 7:30 हो रहे हैं और मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इसी टी शर्ट में क्यों आ जाती हूँ रोज़, ये इसी स्वेटर में रोज़ क्यों आ रही हूँ क्योंकि मैं सुबह सुबह रनिंग के लिए जाते हैं हम लोग, तो रनिंग के लिए जाते हैं तो सुबह सुबह थोड़ा ठंड लगती है, तो मैं ये स्वेटर पहन लेती हूँ, है ना। तो अब मैं जब नहाऊंगी धोऊंगी तब मैं ये उतार दूंगी, तो तब तक तो यही देखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि यही बाहर है, बाकी सब बंद कर दिए ना। तो एक ये बाहर है और एक ग्रीन वाली बाहर है बस। तो जब ठंड, जब सुबह हम रनिंग के लिए जाते हैं तो मैं ये पहन लेती हूँ और कभी कभार अपने हस्बैंड की जैकेट पहन लेती हूँ, है ना। तो अभी मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ। घर पे सिर्फ मैं और मम्मी है, मम्मी तो वहाँ पे क्यारियाँ बना रही हैं और मैं घर का नाश्ता बना रही हूँ। तो पापा तो चले गए कहाँ, पानी डालने के लिए, और भारती है नहीं, उसकी कोरोना में ड्यूटी लगी हुई है, तो वो जा रखी है, वो हॉस्पिटल है और वहीं रहती है, कोरोना सेंटर में वहीं पे रहती है, तो घर पे नहीं आती क्योंकि इन्फेक्टेड उस पर रहती है, तो उसको थोड़ा ये है कि घर वाले सेफ रहे, तो वहीं पे रहती हैं। काफ़ी स्टाफ है उनका वहाँ पे, बट ठीक है, डर भी लगता है, घर वालों को भी डर लगता है, अगर बच्चा बाहर हो तो डर तो लगता ही है कि नहीं। वैसे भी ये तो महामारी बहुत ही ज़्यादा फैल रही है, तो प्लीज़ घर पे रहें, सेफ़ रहें आप लोग, हम लोग सेफ रहेंगे तो ये नर्सेज डॉक्टर भी सेफ रहेंगे, है ना। हमारे लिए इतना कुछ करते हैं ये लोग, तो हमें इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और हमें ही उनकी, जैसे वो हमारी सेवा करते हैं और किस सेवा ही करते हैं यार। इस महामारी में तो कोई अपना भी साथ नहीं होता। अगर किसी को पता हो ना कि हमारे घर पे कोरोना हुआ है तो कोई नहीं आएगा, कोई कोई हमारे घर की तरफ झांकेगा भी नहीं, केवल डॉक्टर और नर्सेज होते हैं जो हमारे साथ होते हैं, उनको क्या पटी है, वो भी छोड़ देंगे अपनी नौकरी, क्या दिक्कत है, ख़त्म हो जाएगा, दोबारा लग जाएगी। नर्स की ज़रूरत कहाँ नहीं होती है, डॉक्टर्स की ज़रूरत कहाँ नहीं होती, हर जगह होती है। बट ठीक है, वो उनका फ़र्ज़ है तो वो अपना फ़र्ज़ अदा करते हैं, बट हमें भी थोड़ा बहुत सोचना चाहिए, तो बाहर ना जाएं हमें, मतलब वो वहाँ पे है लेकिन घर में हम सब ऐसे दुख 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 होता रहता है, मतलब जब तक हम उससे बात नहीं कर लेते तो थोड़ा होता है ना। बट चलो क्या कर सकते हैं, उसकी जॉब है और उसने करना ही है ये, और वो अपने जॉब के लिए बहुत डेडिकेटेड भी है, बहुत डेडिकेशन से काम करती है। ये बीन्स, और ये हमारे घर के बीन्स है, तो थोड़ा सा घर की बीन्स है वो, और थोड़ा सा प्याज, हरा प्याज वो हमारे अपना ही लगा हुआ है, तो अभी मम्मी निकाल देंगी, और बड़ी, ये सब मिक्स करके बना रही हूँ मैं, मिक्सर है। हाँ, यहाँ पे लहसुन बो रखा था, उखाड़ दिया ये ऊपर का। हाँ सीखना तो भी, ये देखो भाई, इतना बहुत है, ये फूल का देख ली। हाँ, जिस पे फूल लगे वो निकालने हैं, समझ गई मैं, तो बीज के लिए नहीं रखने, ये कहाँ लगता है, बीज ऐसा बनता है जो बड़ा पुराना ढिंडा लगता है ना, उसको दबाते तो उसको आता बीज, वो बनता बीज, इसका थोड़ी नहीं बनता, बड़ा बीज यही बनाते हैं बाजार में, तभी तो वो होता है तोड़े। तो ये क्या लगा रखे पापा ने, भिंडी। अरे पिछले साल तो भिंडी खा खा के पक गए हम, इस बार हुई नहीं, ये काम सब का तो कबाड़ था, ये सब कबाड़ गया मिल गया। हाँ वो बोल तुम्हारे, तुम मर गए भून लगो, ये टमाटर लाल नहीं हो रहे अभी, कितने सारे टमाटर थे हमारे, वोगल बोले तो मम्मी कहा है वोगल, ये बोलते हैं ना, ये वाला, हाँ हाँ होता तो है, ये होता है ना, होता है जमन। ये बैंगन भी लगे हैं, कुछ टाइम बाद तो बैंगन भी हो जाएंगे ना मम्मी, है ना हमारे सुंदर। ये पापा ने कल मिर्च भी लगा दी, इधर भी प्याज, सुंदर। अभी तो इसको जून जुलाई में निकालेंगे हम, जुलाई में नहीं जून में निकलता है, जून में निकलता है। हाँ बीन्स, देखो हरे टमाटर, टमाटर
टमाटर और ये बीन्स, ये रोज इससे थोड़े थोड़े जितने बीन्स होते हैं उतने हम निकाल देते हैं और बाकी के रहन देते हैं। देखो बीन्स हो रही है ना, दिखाऊं क्या, ये देखो अभी नई नई हो रही है तो अभी नहीं निकालेंगे, ना हो जाएगा। टमाटर के तो इतने सारे पेड़ लगा रखे हैं पापा ने, पर हरे टमाटर ज़्यादा टेस्टी हो रहे हैं आजकल खाने में, देखो लाल टमाटर से ज़्यादा। और ये बीन्स अभी मम्मी रोज निकाल देती है थोड़ा थोड़ा बीन्स, अभी ये भी हो रही है नीचे, ठीक है। चलो और अभी ये क्यारी यहाँ पे लगा हुआ था लहसुन, तो ये बन रहा है क्यारी, लहसुन निकाल दिया और इस पर आप पता नहीं क्या बोएंगी मम्मी, कुछ तो बोएंगे। क्या बोना है मम्मी उस पर, तो जो खाली कर दिया, मक्की, मुंगरी, भुट्टे, ये प्याज लेके आ गई मैं, अब चलो इसे बनाते हैं। थोड़ा बहुत बीन्स है, थोड़े प्याज और थोड़ा टमाटर, हरे टमाटर, टेस्टी सब्जी। देखो घर की सब्जी घर की सब्जी होती है, चाहे थोड़ी सी हो चाहे ज्यादा हो, है ना। इधर लाइट चमक रही है, इधर कुत्ते हो ना, ये तो छोटे छोटे टमाटर हो रखे हमारे छोटे छोटे टमाटर हो रखे हैं, इतने टमाटर हो गए और इतनी टेस्टी होती है ना, खट्टा 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 सा स्वाद आता है, तो इतना टेस्टी होता है, मस्त बना दो ऐसे भी डालो तो चलता है। अब मैं लगाती हूँ, जब तक सब्जी बनती है झाड़ू पोछा और रोटी तभी बनाऊंगी जब मेरे बच्चे खाएंगे, फिर गर्म गर्म रोटी खाएंगे, क्योंकि अभी तो आएंगे फिर नहाएंगे फिर पूजा पूजा फिर मंदिर जाएंगे उसके बाद नाश्ता होगा, तो अब मैं झाड़ू पोछा लगा रही थी उसके बाद आती देव आ चुके हैं, पानी भर दो जरा ठंडा भर दो, मैं झाड़ू ठंडा ठंडा ठीक प्लीज आजकल छुट्टी है ना उनके घर में थोड़ा बहुत तो हेल्प बनते है ना, पानी पड़ता बोलेंगी नहीं चलो मैं करती हूँ। सो लोग अभी दिन का टाइम है, हम लोग मैं खाना बना रही हूँ, नहा के आ गई हूँ, खाना बना रही हूँ और दाल चावल ही बना रही हूँ सिंपल, अरहर मल्टी की दाल और दाल चावल बस, आजकल हम लोग ज़्यादा बाहर जा नहीं रहे, दाल ठीक है ना, और बाकी बस अब मैं खाना बना के फिर हम लोग का घर में सिर्फ मैं मम्मी और पतिदेव हैं, बाकी पापा तो ड्यूटी गए हैं, तो अभी बस हम तीनों के तीनों खाना खाएंगे और फिर आज कल दिन में नींद आ जाती है, एक तो बोरिंग डे है, उनकी छुट्टियाँ रहती हैं, वैसे भी हम मैं और मम्मी रहते हैं घर में तो हमें तो नींद आ जाती है, तो आजकल तो पति देती है ना कि दिन में सो जाओ शाम को उठो सीधा, है ना। तो अभी मैं खाना बना रही हूँ, ये चावल उबल रहे हैं और ये दाल चढ़ा रखी है मैंने, अब मैं आपको सीधे शाम को मिलूँगी 5 बजे चाय के टाइम पे, सो ओके अब शाम को मिलते हैं। सो फ्रेंड्स अब रात हो गई, डिनर विनर हमने कर दिया है, शाम को मैंने व्लॉगिंग नहीं करी क्योंकि मैं भूल गई है ना, और इतना कुछ था भी नहीं तो मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट नहीं करी, अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए, ये व्लॉग मैं यही पेंड करती हूँ, ज़्यादा करूँगी तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और अगला वीडियो है वो एक चैलेंज वीडियो है और इंटरेस्टिंग वीडियो है,
मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।